मैं तुझे गोप्य बात और क्या कहूं वत्स, तू संसार में संभल संभल के कदम रखना, तो कहीं भी रह लेकिन मुझ में ही रहना, तेरा और मेरा साक्षात्कार हो जाए, तेरा और मेरा मिलन हो जाए, जैसे श्री कृष्ण का और उद्धव का हुआ था, जैसे अर्जुन का और श्री कृष्ण का हुआ था, जैसे अष्टावक्र और जनक का मिलन हुआ था। हे शिष्य, हे साधक, गुप्त बात तो यही कहता हूं कि तेरा मेरा मिलन अभी तो देहों से होता है, अभी तो तू आता है जाता है, मुझे भी आता जाता जानता है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि उद्धव, तू मुझसे ऐसा मिल कि कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य ना आए, तू मुझे ऐसा पाले कि कभी तू छोड़ न सके और मैं तुझे न छोड़ू। उद्धव ने प्रार्थना की थी कि भगवान, आप स्वधाम जा रहे हो, आप अपनी लीला समेट रहे हो, पामर शिष्य को, पामर भक्त को भगवान ये करते हैं वो करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन उत्तम साधक को तो भगवान की चेष्टा लीला लगती है। उत्तम साधक और उत्तम भक्त कहता है कि भगवान ही आपकी लीला समेट रहे हो, आप द्वारका को अब छोड़ने की तैयारी किए जा रहे हो, ये लीला देखकर मुझे लगता है कि कृष्ण आप अपना श्री विग्रह अंतर्धान करने के रास्ते जा रहे हो, आपका श्री विग्रह अंतर्धान हो जाए उसके पहले मुझे भेज कर फिर जाइए, मुझे साथ ले चलिए। उद्धव कहते हैं कृष्ण को कि मुझे साथ ले चलिए। कृष्ण कहते कि उद्धव, शरीर से कोई साथ नहीं चला, उद्धव यदि दम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि ही नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। भगवान गुप्त बात बताते हैं उद्धव को, ये उद्धव जो कुछ देखने सुनने में आता है, जो कुछ मन बुद्धि तक पहुंचने में आता है, वो सब माया है, वो सब प्रतीति है। उद्धव तो बद्री का आश्रम जा, एकांतवास करके अपने मुझ प्राप्ति स्वभाव में तू पहुंच जा, तू मुझे मिल ऐसा कि कभी बिछड़ना न पड़े। वत्स, मैं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं मैं उतना ही नहीं, जिस जीवा से बोलता हूं वो मेरी उतनी ही जीव नहीं है, जिन आंखों से देखता हूं मेरी उतनी ही आंखें नहीं है, अनंत अनंत आंखों में मैं ही हूं। और मेरा उपदेश, गोप्य उपदेश यही है कि तू भी वही है, केवल जग जा वत्स, अपने देह में ममता मत रख, अपने संबंधों में आसक्तियां अहंकार मत कर, ये बाहर के संबंध तो मिटने वाले हैं, लेकिन हे वत्स, हे शिष्य, तेरा और मेरा संबंध अमिट है, आत्मा परमात्मा का संबंध अमिट है, भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का संबंध सत्य के लिए होता है, और सत्य अमिट है, सतरित है, त्रिकाला अवाधित है, उस सत्य में ठहरता जाएगा उतना ही तू मुझसे एक होता जाएगा।
साधन का नो अनुभव अने सिद्ध अवस्था नो अनुभव सांभळवा शिष्यनी इच्छा देखी गुरुए पोतानी वाणी विखेरता दृष्टिपात की शिष्य ने नवड़ावता उन मधुर निगाहों में स्नान कराते अपने शिष्य को कहा कि हे पुत्र तूने मुझे कई बार निर्दोष प्रेम से निहारा है और मैंने भी तुझ पर आत्मप्रेम निछावर किया है। जैसे हाथी के दांत निकल आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते, ऐसे मेरे हृदय से निकला हुआ प्रेम मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा, नहीं छीनूंगा।